जरा जोर से एक बार सिरसा की जनता का उत्साह पता लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में देश के गृह मंत्री, जिनको मैं बहुत दृढ़ संकल्प के हमारे नेतृत्व देने वाले, जैसा सरदार पटेल जी, नरेंद्र मोदी जी, उनके हिसाब से इनको भी लौह पुरुष कहना कहीं उचित ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार के निर्णय आपके नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए, ये देश कायल है इस नेतृत्व की। हमारे बीच में हमारे प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिप्लव देव जी, केंद्र सरकार में वाटर रिसोर्सेज मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, और यहां आपके बीच के ही हमारे बड़े जुझारू, बड़े प्रभावी मंत्री, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री, यहां उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित मेरे पार्टी के आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, और हरियाणा की, ये हमारे सिरसा लोकसभा की प्यारी जनता, पत्रकार छायाकार मित्रों, माननीय गृह मंत्री जी का मैं हरियाणा की 2,70,00,000 लोगों की ओर से सिरसा की धरती पर स्वागत करता हूं। ये सिरसा शहर बहुत प्राचीन शहरों में से है और हमारे हरियाणा का एक बहुत ही अद्भुत और निराला यह जिला है। यहां के लोग बहुत धार्मिक, सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत हैं। यहां ये गुरुद्वारों की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहां तो बहुत बड़े केंद्र हैं। आदरणीय गृहमंत्री जी, आज की इस रैली में इतना बड़ा ये समूह, जनसमूह आपके स्वागत के लिए आया है, सुबह से इंतजार कर रहा है कि हम अपने प्रिय गृह मंत्री जी को सुनेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि सुबह के नहीं, हरियाणा की जनता तो उस दिन से आपका इंतजार कर रही है जिस दिन गोहाणा में हमने रैली रखी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से आपका आना संभव नहीं हो पाया था। इंतजार करते रहे, आज वो इंतजार आके समाप्त हुआ है। मैं हरियाणा की जनता की ओर से इस इंतजार के लिए, आपके बेताबी से इंतजार करने में आज जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हरियाणा में जब जब आए, जब जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया है। मुझे याद है जब खेलो इंडिया के कार्यक्रम में आप आए थे, आपने यहां के खिलाड़ियों के जज्बात, उनकी भावना को देखते उनका हौसला बढ़ाया था। आपने कहा था कि हरियाणा के खिलाड़ी धाकड़ हैं, और न केवल वहां कहा बल्कि जब आप पुलिस में, पुलिस के जवानों के लिए एक समारोह में आए थे, राष्ट्रपति मेडल जो आपने वो पुलिस का चिन्ह प्रदान किया था, उस समय आपने हमारी उस पुलिस के जवानों को भी ये धाकड़ जवान हैं इस प्रकार के आपने कहा था। हमारे पहलवान धाकड़ है, हमारे खिलाड़ी धाकड़ हैं, हमारे पुलिस के जवान धाकड़ हैं, हमारे किसान धाकड़ हैं, हमारे जवान धाकड़ हैं। यह हरियाणा अपने आप में धाकड़ लोगों की और ये भूमि है, यह हरियाणा की धाकड़ भूमि, जहां देश में 9 वर्ष से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। एक ऐसा ये युग जिसमें गरीबों के भले के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, हर प्रांत में लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, देश का, जनता की एकता की भावना देश में, देश की जनता में लोग, यानी राष्ट्रभक्ति की भावना, देश की अखंडता की बात ये की है, और साथ ही विश्व में
भारतवर्ष का स्थान कितना ऊंचा हो, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम हुआ है कि भारत जैसे दुनिया का विश्व गुरु पहले कहलाता था, बहुत निकट भविष्य में दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु कहेगा। जहां भारतवर्ष में एक और 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हम हरियाणा सरकार के नाते भी केंद्र की इन सब योजनाओं में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग ही आगे बढ़ते रहे हैं। हमने 9 सालों में जो भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, भय का एक वातावरण था, दुष्वृत्तियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही थी, उनको सबको ठीक करने के लिए यहां की जनता को बहुत राहत दी है। मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हमने उस कदम पर चलते हुए हरियाणा में ये चीजें भुला दी हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार के नाते आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसको कहीं और रास्ता दिखाएंगे हम। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हमने काम किया है। जहां तक गरीबों के उत्थान की बात है, हमने भी अंत्योदय की भावनाओं से बहुत योजनाएं बनाई हैं। हमने परिवार पहचान पत्र लागू करके और हर गरीब आदमी को सरकार की ओर से उसके घर में योजनाओं का लाभ दिया है। कोई उसकी समस्या होती है, उसके घर में जाकर के हल करने की बात हमने कही है। हम उसके फोन पर कोई ना कोई योजना का फोन उसको हर परिवार को चला जाता है। यहां तक कि हमने तो ऐसे हर गरीब परिवार के आदमी के जन्मदिन पर, शायद वो मनाने की परंपरा उसके यहां नहीं रही होगी, हमारे यहां उसको बधाई का संदेश भी जाता है। हम अपने आप उनके साथ जुड़े हैं। तो मित्रों, मैं माननीय गृहमंत्री जी को कहूंगा कि हम लोगों ने जो देश की सरकार के साथ, भारतवर्ष की सरकार के साथ हरियाणा सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है, मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पिछली बार हमने 10 के 10 कमल यहां खिलाए थे, निश्चित रूप से इस बार भी हरियाणा में 10 के 10 कमल खिला करके और भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज पूरा करेगी और हम आगे बढ़ेंगे। केंद्र में फिर से अगली बार एक मजबूत सरकार तीसरी बार ये बनेगी, ऐसा विश्वास दिलाते हुए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं, जिनका आप सब लोगों को इंतजार है,